खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आदर्श मीडिया पत्रकार परिषद मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राधे श्याम जी व्यास, प्रदेश प्रभारी राजेश जी शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र सोलंकी व आदर्श मीडिया पत्रकार परिषद मध्य प्रदेश के प्रदेश पदाधिकारी व जिला पदाधिकारी पहुँचे। विश्व प्रसिद्ध जय माँ बगाल मुखी मंदिर और विशेष पूजा अर्चना हवन की। आदर्श मीडिया पत्रकार परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राधे श्याम जी व्यास ने मीडिया से वार्ता करते हुए माँ बगला मुखी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क विश्राम गृह बनाने के बारे में सभी पदाधिकारियों से वार्ता की और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। वहीं आगर जिला अध्यक्ष अर्जुन भिलाला व जिला पदाधिकारी व्याद्रा, प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश पदाधिकारियों नलखेड़ा आगमन पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। जानकारी जिला संगठन मंत्री ईश्वर सिंह सोनागरा ने दी। शीघ्र घोषणा की जाएगी जो कि अगले महीने में अक्टूबर माह में 4 या 5 जिलों में की जाएगी। सर, ये माध्यम से जो माँ बगला मुखी के दर्शनार्थियों के लिए विश्राम गृह विश्राम गृह की भूमि पूजन आपके द्वारा की गई थी, क्या उसकी पहले की व्यक्ति के लिए क्या व्यवस्था है? माँ बगला मुखी के पावन धरा में विश्राम ग्रह की भूमि पूजन मेरे द्वारा की गई थी। इसमें अब शीघ्र मेरे सारे प्रदेश के पदाधिकारी की एक बैठक अति शीघ्र 10 तारीख तक होगी और इस बैठक के आधार पे जो भी निर्णय लिया जाएगा समस्त पदाधिकारियों के सम्मुख लिया जाएगा और शीघ्र अति शीघ्र इस धरा पर विश्राम ग्रह को बनाया जाएगा। पत्रकार की सुरक्षा को लेकर क्या सरकार से चाहते हैं? पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के प्रशासनिक शासन प्रशासन से जो पत्रकारों के हित की मांग को रखना है, पत्रकारों के ऊपर अत्याचार होते हैं, पत्रकारों को अभद्रता से व्यवहार होता है, इन सारी चीज़ों को पत्रकारों की सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए हम शासन प्रशासन से हमारा संगठन लड़ेगा और उसके साथ में मैं सदैव हर पत्रकार के साथ में हर समय उपस्थित रहूंगा। जब भी मुझे कहीं भी मध्य प्रदेश के किसी भी जिले किसी भी तहसील में कोई पत्रकार मुझे बुलाएगा तो मैं उस समय जाऊंगा। ताकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री व्यास जी ने बताया संगठन के विस्तार को लेकर अति शीघ्र हर जिले में कार्यकारिणी गठित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और अति शीघ्र इस कार्य को और उच्च लेवल पर पहुँचाया जाएगा, जिससे नलखेड़ा में जो अपना भूमि पूजन हुआ था और जो विश्राम गृह बनवाना है उसके लिए बहुत जल्दी प्रयास करके उसको खड़ा किया जाए। आगर मालवा से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।